प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के साथ ही पिछली सरकार के आखिरी 6 महीनों के कामकाज की जांच के साथ ही कई बार प्रदेश के नए मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों ने आए दिन अपने बयानों में जता दिया था कि वो पिछली सरकार की योजनाओं पर विचार करेंगे, किस योजना को जारी रखना है और किसे बंद, तो किसके नाम में बदलाव करना है। सरकार की तरफ से ताजा बयान जारी हुआ है रिसर्जेंट राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर। बीजेपी सरकार ने अपने कार्यालय में नवंबर 2015 में आयोजित रिसर्जेंट राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट में 3.37 लाख करोड़ रुपए के 470 MOU किए थे। कंपनियों को राजस्थान में पर्यटन, खनन और मेडिकल जैसे क्षेत्र में निवेश करना था। बदले में सरकार कंपनियों को जमीन और टैक्स में रियायत देगी, लेकिन वर्तमान सरकार ने पिछली सरकार में 470 MOU में से 200 से ज्यादा MOU निरस्त करने का मन बना लिया है। रिलायंस समूह और अडानी ग्रुप जैसी कंपनियों ने तब MOU तो साइन किए, लेकिन निवेश करने में ज्यादातर कंपनियों ने रुचि नहीं दिखाई। उद्योग मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार 3 सालों में इनमें से सिर्फ 124 MOU ही ऐसे रहे जिन पर काम शुरू हुआ, जिससे सिर्फ 12,000 करोड़ रुपए का ही निवेश आ सका है। सरकार का कहना है कि जिन कंपनियों ने काम शुरू नहीं किया है उन्हें नोटिस दिए जाएंगे, अगर कंपनियां नहीं आती हैं तो MOU रद्द किए जाएंगे।